हेलो स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है दट इज नोमन क्लेचर ऑफ़ ऑर्गेनिक कंपाउंड इस टॉपिक के कुछ वीडियोस पहले आ चुके हैं जहां पे मैंने आपको बेसिक क्लियर किया था एंड एज ओवरऑल चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आप चाहे ट्वेल्थ में चले जाओ या उसके आगे केमिस्ट्री में कुछ करना चाहो अगर आप ऑर्गेनिक कम्पाउंड की बात करते हो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का सही नोमन करना आता हो और ये वो वीडियो है जहाँ पर मैं बहुत

विद आपको फंक्शनल ग्रुप वाले जितने भी होंगे उसका कवर करूंगा एंड देन बेंजीन वाले जितने भी कंपाउंड है उसको देखेंगे तो लेट स्टार्ट तो सबसे पहले मैंने क्या कर रखे जितने भी रूल्स हैं उसको मैंने लिस्ट डाउन कर रखे एक एक करके मैं रूल आपको बताता रहूंगा एंड उसको एक्सप्लेन करते रहेंगे तो सबसे पहले रूल के साथ चलते हैं देखो जब भी आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का न्योमन करना होता है तो देखो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट करेंगे किससे हाइड्रोकार्बन से ओके हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करते हैं तो जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं उसके नाम करते हैं कि स्ट्रेट चेन में किस तरीके से होता है उसमें ब्रांचिंग आ जाती है तो क्या सारी चीजें होती हैं तो जब आप एक, एक बार इलेवंथ में आओगे ये चैप्टर स्टार्ट करोगे तो आपको समझ आएगा कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ओके अगर आप कोई छोटी क्लास के बच्चे हो आप सोच रहे हो कि हाँ ये क्या करने की कोशिश हो रही है तो ऑब्वियसली आप एक बार इलेवंथ में आओगे तो आपको ये चीज समझ आएगी ओके नाउ लेट स्टार्ट तो सबसे पहला जो है वो बोला जाता है सबसे पहला रूल है कि आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कभी भी आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने को आता है तो सबसे पहला फॉरमोस्ट काम है आपका कि आप सबसे लंबा कार्बन चेन ढूंढो तो जैसा कि ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो एक लाइन में कितने हैं नौ कार्बन है तो अभी के लिए खाली मैं कार्बन से रिप्रेजेंट करता हूँ दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ठीक है और अगर आप देखोगे तो सेकंड पे एक और कार्बन है मैं भी हाइड्रोजन से उसको पूरी तरीके से भर नहीं रहा हूँ या अंडरस्टूड है कि बाकी सारी चीजें हाइड्रोजन से फुलफिल होंगी क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी मैं खाली किसकी बात कर रहा हूँ हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूँ नाउ अगर आप पीछे से देखोगे तो एक दो तीन चार चौथे पे एक दो तीन चार यहाँ पे क्या है एक कार्बन है दूसरा कार्बन है तो मान लो कि आपको पेपर में ये स्ट्रक्चर आ जाता है ओके एंड आपसे बोलते कि इसका नाम लिखना है तो रूल नंबर वन क्या कहता है रूल नंबर वन कहता है कि इसमें सबसे पहले आप एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढो ठीक है उसको आप क्या बोलोगे उसको बोलोगे पेरेंट चेन उसको क्या बोलोगे पेरेंट चेन बोलोगे तो सबसे पहला काम ही क्या होता है पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करना ओके अब देखो काउंट करना चालू करते हैं एक दो तीन अगर मैं इसको यहाँ से बस खाली काउंट करता तो ये ऑब्वियसली तो देख के ही पता चल है कि बहुत है, नहीं तो जो अब हमें लगता है कि हो सकता, उसको काउंट करते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ इसमें नौ है अब एक और देखते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ अगर मैं ये सीधा काउंट करूं तब भी नौ है यहाँ से काउंट करूं तब भी नौ है ठीक है अब देखो एक दो तीन चार एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ओके आठ है अगर आप ऐसे काउंट करो एक दो तीन चार पाँच ओके अगर आप काउंट करो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आपने सारे कॉम्बिनेशन लगा लिया आपको पता चला कि जो सबसे लंबा कार्बन चेन है उसमें नौ कार्बन है ओके अब वो या तो ये भी हो सकता है सीधे वाला या फिर नीचे से ले सकते हो अब अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ चेन, तो चेन आपको मिल गया है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें से पेरेंट चेन लेना किसको है तो हमेशा ध्यान रखना कि उस वाले को पेरेंट चेन लेना जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग हो क्या है मोर ब्रांचिंग मोर ब्रांच जिसमें मोर ब्रांच मोर ब्रांच का क्या मतलब है कि देखो यहाँ पे इसको मैंने मान लिया पेरेंट ओके okay? इसको मैंने पेरेंट मान लिया तो पेरेंट से जो मेन स्टेम लगा लो उससे जितने भी निकल, एक ब्रांच यहां पे निकल रखा और एक ब्रांच यहां पे निकल रखा है ओके okay? तो इसमें दो है उससे कोई मतलब नहीं है निकला पेरेंट से एक ही जगह से तो एक ब्रांच हो गया एक ब्रांच ही हो गया तो इसमें दो ब्रांच हो गया अगर मान लो कि मैं इस वाले को पेरेंट मानता हूं ओके okay? अब इसमें भी एक है दो है हाँ या ना तो कहने का मतलब है कहीं से भी करो आप किसी को भी मान सकते हो पेरेंट कोई दिक्कत नहीं है तो इजी होने के लिए हम क्या करेंगे हम स्ट्रेट वाले को मान लेंगे इजी रखने के लिए हम स्ट्रेट वाले को पेरेंट चेन मान लेंगे तो सबसे पहला काम तो ये हो गया पेरेंट चेन पता कर लिया नाउ दूसरा जो होता है दूसरा जो रूल होता है दैट इज नंबरिंग करना कि काउंट करना कहां से चालू करें अब मान लो कि इसका नाम लिखना है ओके okay. इसका नाम लिखना है तो मेरे को पता है कि पेरेंट चेन में नाइन हो गए पेरेंट चेन में कितना हो गए नाइन कार्बन हो गए अब क्वेश्चन है कि एक बार मैंने आइडेंटिफाई कर लिया पेरेंट चेन क्या है तो मैं भी क्या करता हूं? एक मैं यहाँ पे एक मैं पे देना आई डाउट इसको मैं भी हटा पाऊंगा खैर छोड़ो तो अभी के लिए ये आपका पेरेंट चेन है ठीक है स्ट्रेट वाला मैं फिर से यहाँ पे बना लेता हूँ नौ कार्बन चेन जस्ट गिव वन सेकंड हाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन यहाँ पे एक कार्बन है एंड अगर मैं पीछे से एक दो तीन चार ओके एक दो तीन चार यहाँ पे दो है अब आपको पता चल गया कि आप कहीं से भी ये चेन आपका क्या वाला है ये ये सीधा वाला पेरेंट पेरेंट चेन चेन हो हो गया। गया अब जब ये हो गया तो ऑब्वियसली right? नाम में पहले इसका नाम लिखूंगा या इसका नाम लिखूंगा उसके लिए सबसे पहले मेरे को ये काउंटिंग कर, करना पड़ेगा कि इस पेरेंट चेन का सर कहां पे है और पैर कहां पे है तो हमेशा यही पता करने के लिए कि सर कहां पे है, पैर कहां पे है उसका जो रूल होता है वो होता है कि यहां से देखू तो ब्रांच को नंबर क्या क्या मिल रहा है एक ब्रांच को नंबर टू मिल रहा है एक ब्रांच को सिक्स मिल रहा है तो एक बार टू मिल रहा है एक बार सिक्स मिल रहा है अब दूसरी साइड से काउंट करते हैं क्योंकि मेरे को डिसाइड करना है सर क्या है, पैर क्या है, तो मैं दोनों साइड से देख लेता हूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है अब इस साइड से मैंने देखा तो मैं देखता हूं कि फोर्थ पे वन टू थ्री फोर एक तो व्हाट हappened ओके सो जस्ट वन सेकंड ओके, आई थिंक नेट का कुछ है। तो अगर मैं दूसरी साइड से देखता हूं तो वन टू थ्री फोर फोर एंड एंड एट नंबर मिले ओके okay. तो आपका आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जिस साइड से सा उसको नंबर कम मिलेगा उस साइड से मैं मानूंगा कि वो सही साइड है नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए तो दैट मीन नंबरिंग में किस साइड से स्टार्ट करूंगा इस साइड से क्योंकि ब्रांच को क्या मिल रहा है कम नंबर मिल रहा है ओके okay? तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है अब मैं एक मिनट आपको यह समझ आएगा कि ब्रांचिंग कहां से देनी है नाउ अब नाम स्टार्ट करना होता है अब ये जो थर्ड रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप नोम करने जाते हो तो तीन चीजों का ध्यान देना है जब भी नाम लिखते हैं ना तो सबसे पहले क्या होता है ब्रांच का नाम आता है सबसे पहला क्या होता है ब्रांच का नाम होता है हमेशा देखो बॉडी नेम बीच में होती है बॉडी नेम मतलब जो पेरेंट्स ये है ना, उसका नाम बीच में होता है प्रीफिक्स में हमेशा आपका ब्रांच आता है एंड सफिक्स में हमेशा आपका रूट नेम आता है रूट नेम क्या हो सकता है अगर एल्केन है इन है आइन है या कोई फंक्शनल ग्रुप अगर उसके साथ जुड़ा हुआ है तो वो सारे कई बार क्या होता है फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स भी होता है तो वो जब मैं फंक्शनल ग्रुप वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा अभी कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है तो कभी भी ध्यान रखना किसी भी फंक्शनल ग्रुप का अगर नाम लिखा जाता है तो क्या होता है उसमें बॉडी बीच में होती है प्रिफिक्स में ब्रांच का नाम आता है एंड रूट नेम बाद में आता है यही मैंने यहाँ पे आपको बताया नेक्स्ट पॉइंट है अब मैं इन सारों पॉइंट को जब जोड़ के आपको नाम कर लिखना बताऊंगा ना तो आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से चीज़ क्लियर हो जाएगी नेक्स्ट है कि सेपरेट द नंबर नंबर वाई अगर दो नंबर है हमेशा याद रखना तो कॉमा से सेपरेट होता है और नंबर और अल्फाबेट को सेपरेट करना है तो इस हाइफन से सेपरेट होगा ठीक है अब इसका क्या मतलब है वो सारी चीजें करते हैं अब छोटे छोटे एग्जाम्पल लेना चालू करते हैं so क्वेश्चन कर कर आएगा तो क्या करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस वाले एग्जाम्पल को लेते हैं इसका क्लेचर करने की कोशिश करते हैं तो देखो ये क्या है एक दो तीन चार पांच सेकेंड पे सी है एंड उस साइड से भी सेकेंड पे सी एच थ्री है ओके okay? मैं इन सबको फिल कर देता हूँ सी एच सी एच टू सी एच सी एच थ्री मान लो पेपर में ये बहुत इजी है आएगा नहीं बट मान लो पेपर में यही क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहला काम क्या है आपका पेरेंट चेन ढूंढना देखो ढूंढते हैं एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच कहीं से भी काउंट कर लो एक दो तीन चार पांच पांच से ज्यादा नहीं बनेगा एक दो तीन चार पाँच जोन से भी पांच का आपको बेस्ट आपको कॉम्बिनेशन लगता है वो ले लो बट ध्यान रखना कि सिंपलिसिटी के लिए मैं सीधा वाला ले लूंगा तो ये मेरा पेरेंट हो जाएगा ओके okay, ये मेरा क्या हो जाएगा सीधे वाला पेरेंट हो जाएगा और पहले रूल का जो एस्ट्रिक है वो ध्यान रखना कि अगर पेरेंट चेन वो वाला लेना है जिसमें ज्यादा ब्रांच हो इसमें तुम कोई सा भी पेरेंट चेन लोगे दो ही ब्रांच आएगा तो यहाँ पे जो मैंने सिंपल वाला लिया इसमें दो ब्रांच आ गया अब सवाल ये है कि सबसे पहले आप नाम किसका लिखते हो अब नंबरिंग के साइड से करोगे देखो नंबरिंग इस साइड से करूँ तो टू एंड फोर उस साइड से करूँ तो टू एंड फोर बात बराबर है तो मैं इस साइड से कर लेता हूँ अपने ईजी के लिए नाउ okay. अब जब आप इसका नाम लिखोगे तो मैंने बोला कि सबसे पहले ब्रांच का नाम आता है ओके okay. तो ब्रांच में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ब्रांच है कितना है? सबसे पहले तो दूसरे पे है एंड फोर्थ पे है क्या मिथेन सी एच फोर मिथेन होता हमेशा ब्रांच में जब कोई चीज लग जाती है तो उसको आप क्या बोलते हो एल्काइल ग्रुप बोलते हो तो वो क्या हो गया मिथाइल एम ई -E टी एच वाई एल देखो होता क्या है एम ई टी एच ए एन ई मिथेन होता है ठीक है आपको क्या करना है कि एन को हटा के ना आइल लगाना होता है तो एम ई -E टी एच वाई एल मिथाइल तो हमेशा जब भी ब्रांच का नाम होता है तो एन हट जाता है और उसके साथ आइल लग जाता है तो वो मिथाइल ग्रुप हो गया तो सेकंड पे भी मिथाइल ग्रुप है एंड फोर्थ पे भी क्या है मिथाइल ग्रुप है तो मैंने बोला कि हमेशा जब नाम लिखते हो तो ब्रांच का नाम पहले आता है तो ब्रांच में आपको सबसे पहले बताना होता है कि कौन कौन से नंबर पे है तो देखो सेकंड पे भी मिथाइल है फोर्थ पे भी मिथाइल है तो ऐसे लिखने से अच्छा कि टू मिथाइल फोर मिथाइल मैं क्या लिखूंगा टू कॉमा फोर दैट मीन सेकंड पे भी एंड फोर्थ पे भी मिथाइल है कितने हैं दो हैं। एक टू पे एक फोर है तो उसके लिए डाई आ जाएगा डाई मिथाइल ठीक है डाई मिथाइल एंड देन आपका क्या आएगा बॉडी का नाम मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन इसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा पेंटेन ओके okay. यहाँ पे रूट नेम की कोई जरूरत तो नहीं, नहीं है रूट नेम एन ही है क्योंकि इसमें कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी ये कैसे कर रहे हैं ठीक है ये एग्जाम्पल आपको समझ आया दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और अगर मान लो कुछ भी डाउट है तो आप क्या करना कमेंट सेक्शन में लिख देना उसको ओके okay. अब हम लेते हैं ये वाला एग्जाम्पल दूसरे वाला एग्जाम्पल तो यहां पे अगर आप मैं देखूं तो कार्बन ऊपर सी थ्री इधर सी एस थ्री नीचे सी एच थ्री देन सी एच टू देन सी एच देन सी एस थ्री देन सी एस थ्री ओके ये है अब आपको आइडेंटिफाई करना पेरेंट चेन अगेन आप सारे कॉम्बिनेशन बिठा लोगे ना तो मैक्सिमम जो कार्बन चीन आएगा इसमें पेरेंट में वो ही आएगा क्वेश्चन है कि कौन से वाले को मैं ठीक है तो अगर आप देखो इसमें भी कोई सा भी कॉम्बिनेशन लोगे ना तो आपको उसमें तीन ब्रांच मिलेगी तो देखो सबसे सिंपलिसिटी के लिए मैं इस वाले को पेरेंट मान लेता हूं जो मैंने हाईलाइट किया ओके आप कर लेना पॉज करके आराम से दिमाग लगा लो जितने भी कॉम्बिनेशन बिठा सकते हो मैक्सिमम पांच वाला ही आएगा और सब में क्या होगा आपकी ब्रांच तीन आएगी एक ये ब्रांच एक ये ब्रांच और एक ये ब्रांच ये तीन ब्रांच ओके okay. अब क्वेश्चन ये है कि आप नंबरिंग किस साइड से करोगे अब नंबरिंग या तो मैं इधर से कर सकता हूँ या इधर से कर सकता हूँ दोनों साइड से करके देख लेते हैं इस साइड से करूंगा तो वन टू थ्री फोर फाइव इधर से करूंगा ना तो मेरे को इस मिथाइल को कितना मिला टू नीचे वाले मिथाइल को कितना मिला टू तो यहां पे क्या हो गया वन टू थ्री फोर एंड इस वाले को कितना मिला फोर तो दैट मीन कॉम्बिनेशन क्या बैठा टू टू फोर का अगर मैं दूसरी साइड से करता हूं तो टू थ्री फोर दैट मीन टू फोर फोर का कॉम्बिनेशन बैठेगा इसको दो मिला इन दोनों को फोर फोर मिला तो so छोटा नंबर कौन सा टू टू फोर की टू फोर फोर टू टू फोर तो आपकी काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी यहां से ओके एंड नाउ अब आपके लिए क्या है कि तीनों पे मिथाइल ग्रुप है तो आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है कि टू मिथाइल टू मिथाइल फोर मिथाइल एंड देन पूरा नाम आप सीधे क्या लिखोगे टू कॉमा टू कॉमा फोर ट्राई मिथाइल इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन पेंटेन आई होप आपको समझ में आएगा कैसे नाम लिख रहे हैं हम अच्छा इसी के साथ हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं लास्ट वाला उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा ओके okay. अब लास्ट वाला एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें देखते हैं अब यहां पे मैं ना यहीं पे आपको बताता हूं देखो आप अगर कर काउंटिंग करना चालू करोगे तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कहीं और से ट्राई करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यहां से भी सेवन है तो दैट मीन्स आप इसको भी पेरेंट मान सकते हो और सीधे जो नंबरिंग कर रखी है उसको भी पेरेंट मान सकते हो ठीक है तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं क्या करूंगा सीधे वाले को मान लूंगा किसी और कॉम्बिनेशन को बैठाऊंगा तो उसमें पाँच सात से कम कार्बन होंगे अब सवाल है कि आप काउंटिंग किधर से करोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इस साइड से या दूसरी साइड से देखो अगर मैं इस साइड से करता हूं तो थर्ड पे एक ब्रांच आ रहा है और फोर्थ पे दो ब्रांच आ रहे हैं है ना मिथाइल मिथाइल के और अगर इस साइड से करता हूं तो फोर्थ एंड फिफ्थ पे आएंगे तो मैं हमेशा थर्ड एंड फोर्थ वाले को प्रेफर करूंगा तो मैं इस साइड से काउंटिंग करूंगा अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पहले तो अभी तक जितने भी हमने एग्जांपल लिए उसमें मिथाइल मिथाइल आ रहे थे अब इसमें इथाइल भी आ गया ठीक है तो जब भी ब्रांच आपको नाम तो पहले लिखना है ब्रांच का अब आपको क्वेश्चन होगा कि इथाइल और मिथाइल में पहले इथाइल लिखूं कि मिथाइल लिखूं ओके okay. सो so इसका सिंपल आंसर है अल्फाबेटिक ऑर्डर जो आपको फिफ्थ रूल दिख रहा है ना फिफ्थ रूल कि लोअर नंबर इज गिवन टू दी वन कमिंग फर्स्ट इन अल्फाबेटिक लिस्ट अब क्वेश्चन ये है कि इथाइल मिथेन इथेन तो इथेन का इथाइल बनेगा ई e पहले आता है या एम पहले आता है मिथाइल का आंसर है ई e आता है तो आप देखोगे कि अच्छा इस साइड से मैंने काउंटिंग चालू करी है तो आप लिखोगे थ्री इथाइल थ्री इथाइल थर्ड पे इथाइल है अब मैंने बोला कि नंबर और अल्फाबेट को नंबर और अल्फाबेट को देखो नंबर और अल्फाबेट को, को हाइफन से

डाई मिथाइल ठीक है और ये क्या है सात है तो सात के लिए आप क्या यूज करते हो तो हेप्टेन हो जाएगा आई होप आपको ये चीज समझ आई ओके तो इस तरीके से आप नोम कर सकते हो आप अपने मन से बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हो लेट से स्वास्तिक है इसका हम नाम लिखते हैं ठीक है इसका नाम क्या होगा तो ध्यान से देखो अगर आपको जिक्सक वाला मैंने बताया था किस तरीके से करते हैं तो उसमें आपको ध्यान होगा कि ये जितने भी अगर कोई एक ऐसा जंक्शन है जो चार साइड से जुड़ा हुआ तो ये सिंपल एक कार्बन है दो साइड वाले सी एच टू होंगे सी एच टू ये हो गया सी एच थ्री अगेन ये क्या हो गया सी एच टू और ये हो गया सी एच थ्री अब देखो ये दिखने में उठ पटांग सा लग रहा है लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो पेरेंट चेन क्या हो सकता है एक दो तीन चार पांच कहीं से भी करो पांच वाला ही बनेगा है ना मैक्सिमम एक दो तीन चार पांच कहीं से भी कॉम्बिनेशन बिठा लो आपको पांच वाला ही मिलेगा तो इसको तो मैं सिंपली सीधे सीधे भी लिख सकता हूँ ना कि ये कार्बन सी एच थ्री ये हो गया दूसरा वाला कार्बन सी एच थ्री सी एच टू ये हो गया फिर आपके पास ये कार्बन हो गया फिर ये सी एच टू हो गया एंड देन आपके पास सी एच थ्री हो गया राइट right? एंड इस कार्बन के ऊपर क्या है सी टू सी एच थ्री एंड इसके नीचे क्या है सी टू सी एच थ्री तो आप कहीं से भी कॉम्बिनेशन बैठा लो पांच ही बैठेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा ये पेरेंट चेन हो गया बिल्कुल मिडल में दोनों ब्रांच है तो कहीं से भी काउंटिंग करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता और ये क्या है थर्ड पे है तो थर्ड पे दो बार क्या है इथाइल ग्रुप है तो नाम क्या है? थ्री थ्री डाई इथाइल मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन तो स्वास्थ्य का अगर ये इस कम इस शेप का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो उसका नाम क्या होगा थ्री थ्री ड पेंटेन अब आप क्या कर सकते हो ऐसे बहुत सारे शेप होते हैं उसका नाम आप खुद ही लिख सकते हो तो सिंपल है मिथेन इथिन प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन हो गया है ना तो इस तरीके से आप सी है प्रोपेन ब्यूटेन हो गया तो आप अपने मन से डिफरेंट डिफरेंट शेप बना सकते हो और उसका नाम कर सकते हो ट्राई डब्ल्यू क्या हो गया ये सिंपल है मिथेन इथिन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन ये तो बहुत इजी है तो इस तरीके से ब्रांच वाले भी आप खुद से कर सकते हो कि एक्स का क्या नाम होगा तो ये सिंपली क्या है ये कार्बन है फिर ये सी एच थ्री है 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 ओके तो एक लाइन में कितने होंगे मैक्सिमम पेरेंट में तीन हो जाएंगे वन टू थ्री तो आप क्या लिखोगे टू टू डाई मिथाइल मिथेन इथेन प्रोपेन ठीक है तो इस तरीके से आप इसका नॉमिनक्लेचर कर सकते हो आई होप आपको ये चीज समझ आई है नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना क्या क्या चीज समझ नहीं आई तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा ठीक है अब अभी तक आपको यहाँ पे क्लियर है बहुत सारे है, हमने एग्जाम्पल ले लिए अब एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ब्रांच अभी तक तो हम बहुत सिंपल सिंपल सा ब्रांच ले रहे थे ठीक है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ब्रांच लेते हैं और उसके लिए हमेशा ध्यान रखना कि फर्क कुछ नहीं पड़ता रूल सेम रहता ब्रांच के लिए भी बस एक चीज ध्यान रखना कि अगर मान लो कि ये आपकी पेरेंट चेन है ठीक है एंड आपका ब्रांच बड़ा कॉम्प्लेक्स है लेट से मान लो ये ब्रांच है ओके। okay. तो क्वेश्चन ये है कि इसका नाम किस तरीके से लिखा जाता है जितने भी रूल आपने पढ़े हैं ना वो सारे वैलिड है जस्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नंबर वन जो होगा ना इसके काउंटिंग में वो हमेशा उसको मिलता है जो पेरेंट्स से डायरेक्टली अटैच्ड है तो इस वाले कार्बन को नंबर वन मिलेगा अब इस चीज को ध्यान में रखना है इसके अलावा बाकी सारी चीज सेम है ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एनसीआर का और मैं जान के, के एग्जाम्पल करा रहा हूँ ताकि आप जाके उसको डबल वेरीफाई भी कर सको उसको प्रैक्टिस करो तो आपको आसानी से याद भी रहेगी चीजें ठीक है तो अभी ये दो एग्जाम्पल देखते हैं कि इसको कैसे करना है ओके तीन एग्जाम्पल है हमारे पास एंड देन उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे एंड देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड एंड उसके अलावा बेंजीन वाले जितने भी कंपाउंड है उनके नोमन बताऊंगा ओके तो सबसे पहले इजी वाले से स्टार्ट करते हैं इस वाले से दूसरे से कि इसका नोमन किस तरीके से करा गया तो सबसे पहला काम है आइडेंटिफाई करना मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन अब सारे कॉम्बिनेशन बिठा लिए तो पता चला कि ये जो सीधा सीधा है यही वाला मैक्सिमम है और किधर से काउंट करना है उसका बस आपको देखना है कि किस साइड से छोटा नंबर मिलेगा एक दो तीन चार पाँच इस साइड से एक दो तीन चार पाँच इस साइड से फर्क नहीं पड़ता नौ है बिल्कुल बीच में ये तो कहीं से भी करो ठीक है आप ये भी ट्राई कर सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात तो ये भी करके हमें पता चला कि जो मैक्सिमम है वो नौ वाला ही है तो दैट तो मीन्स ये पूरा का पूरा ब्रांच हो गया अब क्वेश्चन ये है कि सबसे पहला जो नाम लिखा जाएगा वो किसका लिखा जाएगा वो ब्रांच का लिखा जाएगा और ब्रांच खुद में कॉम्प्लेक्स है इसको मैं इथाइल प्रोपाइल तो कुछ लिख नहीं सकता तो इसका एक अपना नाम करना पड़ेगा तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ इसको अलग से नीचे बनाता हूँ तो इस वाले पोर्शन से इस वाले पोर्शन से नीचे का मैं बनाना चालू करता हूँ ठीक है सी एच टू सी सी एच थ्री सी एच थ्री एंड सी एच थ्री ध्यान रखना अभी जो जस्ट हमने रूल पढ़ा उसके अकॉर्डिंग नंबर वन तो इसी को मिलेगा जो डायरेक्टली अटैच है किसे पेरेंट से अब आप इस, इसको नंबर वन ध्यान रख के सबसे बड़ा चेन ढूंढो ठीक है तो क्या है कि कहीं से भी काउंट करो वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री कैसे भी करोगे जिसमें ये होना चाहिए तो वन टू थ्री तो दैट मीन सिंपल वाला सीधा वाला मैं इसको ले लेता हूं है ना तो ये अभी पेरेंट हो गया इस छोटे से वर्जन का अभी ये पेरेंट हो गया अब इसमें देखूं तो फिर सेकेंड पे क्या है दो बार मिथाइल ग्रुप है सेकेंड पे क्या है दो बार मिथाइल तो इस ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा टू टू डाई मिथाइल टू टू डाई मिथाइल और ये क्या है पेरेंट में इसका कितना मिथेन प्रोपेन तो मैं क्या प्रोपेन पूरा लिख दू प्रोपेन पूरा लिख दो या ये भी एक पूरा का पूरा एक ब्रांच है जिसमें एक हाइड्रोजन कम है तो ये भी अल्काइल ग्रुप ही है तो ये क्या हो जाएगा टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन नहीं टू टू डाई मिथाइल प्रोपाइल होगा अगर यहाँ पे एक और हाइड्रोजन होता तो टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन बहुत सिंपल सा नाम आ जाता लेकिन अभी के लिए क्या है टू डाई मिथाइल प्रोपाइल हो गया ये अब जो ये पूरा का पूरा टू डाई मिथाइल प्रोपाइल है ये जो पूरा का पूरा टू टू डाइमिथाइल प्रोपाइल है वो एक ब्रांच है और वो कौन से नंबर पर जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ पांचवे नंबर पे तो आप लिखोगे कि पांचवे पे क्या है टू टू डाइमिथाइल प्रोपाइल, ठीक है टू टू डाइमिथाइल प्रोपाइल किस पे है पांचवे पे है ओके एंड नाइन कार्बन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा Nonine. ओके आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी नाउ इस वाले को लेते हैं ठीक है यहाँ पे देखो पेरेंट चेन ये वाला है आप काउंट करके सारे कॉम्बिनेशन देख लेना ठीक है ऊपर जो ये चौथे कार्बन पे है ये जो सी एच है ये जो चौथा कार्बन है ये वाला इस पे ऊपर जो है वो सी एच एंड सी एच थ्री होल्ड टू है तो इसका क्या मतलब सी एच इसी पे एक सी एच थ्री है और इसी पे एक और सी एच थ्री है ये मतलब हुआ उसका ठीक है एंड नेक्स्ट जो कार्बन है सी एच उस पे क्या हो रहा है CH, CH3, CH2, CH3. अब इसमें भी सिंपल कॉम्बिनेशन बैठेगा कि नंबरिंग किस साइड से करें ऑब्वियसली इस साइड से चार एंड पांच मिल रहा है दूसरी साइड से ज्यादा मिल रहा होगा तो चार एंड पांच कर दिया अब ध्यान रखना कि जब इसका नोमेनक्लेचर करते हो तो इस तरीके के कंपाउंड को इस तरीके के सॉरी ब्रांच को जिसमें तीन कार्बन हो और बीच वाला कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो किससे पेरेंट से तो उसको आप क्या बोलोगे सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हो उसको क्या बोलते हो 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 ब्यूटाइल ब्यूटाइल तो तो इस तरीके से जो कॉमन नेम है इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते तो ये सेक हो गया और नीचे वाला क्या है चार कार्बन है ओके इसको आप क्या बोलोगे आइसोप्रोपाइल इसको क्या बोलते हो आइसोप्रोपाइल बोलते हो ये आप एनसीआर बुक देखोगे ना तो वहां पर एग्जाम्पल दे रखे हैं तो आप इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हो तो आप ध्यान से देखना कि फोर्थ पोजीशन पे ब्यूटाइल ग्रुप है एंड फिफ्थ पोजीशन पे प्रोपाइल ग्रुप है मेरे को एस और आई से नहीं देखना अल्फाबेट मेरे को देखना है जो ग्रुप जुड़ा उससे बी एंड पी से तो बी पहले आता है तो मैं लिखूंगा फाइव सेक्स ब्यूटाइल फोर आइसो प्रोपाइल ठीक है अब ये जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है इसको देखते हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है एंड काफी अच्छा एग्जाम्पल है देखो यहाँ पे अगेन इसको आप कॉपी में अलग से बनाओ और सारे कॉम्बिनेशन छान मारो कि बेस्ट पॉसिबल क्या है तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे दस नंबर वाला पेरेंट दस नंबर वाला चेन जो है वो पेरेंट है लेकिन क्वेश्चन ये है ना कि दस नंबर वाला जो कार्बन है ना वो यहाँ पे दो है एक तो देखो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस उसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन बैठेगा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस That means, ये सीधे वाला भी दस है एंड ये जो टेढ़े वाला है ये भी दस है कौन से वाला ले पहले रूल को ध्यान रखो जिसमें ज्यादा ब्रांच हो अगर मैं सीधा वाला लेता हूं तो देखो इस वाले ब्रांच के फर्दर कितने भी ब्रांच हो जाए लेकिन इस पेरेंट के लिए पूरा का पूरा एक ब्रांच है राइट ये पूरा का पूरा एक ब्रांच है किसके ऊपर वाले पेरेंट के लिए तो होगा क्या कि ऊपर वाले को अगर मैं पेरेंट लेना था मेरे को तो एक ब्रांच ये हो हो गया गया दूसरा ब्रांच ये ओके बट ध्यान से देखो अगर मैं इसको इसको लेता लेता हूं हूं नीचे वाले को इसको लेता हूं पेरेंट चेन तो उसमें ध्यान देखना ये पूरा का पूरा जो फिफ्थ पे ये पूरा जुड़ा हुआ है ये एक ब्रांच हो गया एक छोटा सा ब्रांच ये और एक छोटा सा ब्रांच ये तो टोटल तीन ब्रांच हो गए तो आप किसको को कंसिडर करोगे इस वाले को कंसिडर करोगे नंबरिंग किस साइड से होगी जिस साइड से कम मिलेंगे तो क्योंकि इधर दो ब्रांच है सी एच थ्री सी एस थ्री तो आप इस साइड से करोगे तो नंबरिंग इस साइड से हो गया अब क्वेश्चन ये कि आपको पता है कि थर्ड पे दो बार मिथाइल ग्रुप है लेकिन जो फिफ्थ पे वो कुछ बड़ा सा ग्रुप है तो सबसे पहले उसका अलग से नाम लिख लेते हैं एंड उसके बाद पूरे का नाम लिखेंगे तो जो फिफ्थ पे जुड़ा हुआ उसको मैं अलग से बनाता हूँ ठीक है यहां से बनाना चालू कर रहा हूं जो ब्रांच का पार्ट है तो ये आपका सी एच टू हो गया सी एच हो गया हो हो गया, CH3 हो गया, CH2, CH3. ध्यान रखना, rule के according, number one इसी को मिलेगा, क्योंकि ये ब्रांच से जुड़ा हुआ। अब इसको one मान के सबसे लंबा क्या, क्या है इथाइल ग्रुप है तो इसका नाम क्या लिखूंगा टू इथाइल सॉरी टू हाइफन इथाइल मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ब्यूटाइल क्योंकि ये भी क्या है ब्रांच है तो ये इथाइल ब्यूटाइल हो गया अब ये जो इथाइल ब्यूटाइल है अब इसका नाम क्या आएगा ये बी होगा क्योंकि जो पेरेंट का नाम है उससे अल्फाबेटिक ऑर्डर आप देखोगे ठीक है पेरेंट का नाम है जो उससे अल्फाबेटिक ऑर्डर देखोगे तो वो बी है एंड यहाँ पे क्या है थर्ड पे मिथाइल का एम है तो आप देखोगे बी का नाम पहले लिखोगे ब्यूटाइल वाले का कौन से ग्रुप पे कौन से नंबर पे पांचवे पे, पे तो आप लिखोगे फाइव पांचवे पे, पे क्या है टू इथाइल ब्यूटाइल क्या है टू इथाइल ब्यूटाइल थ्री थ्री ये थर्ड पोजिशन पे फर्स्ट वन टू थ्री 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 डाई मिथाइल एंड देन अगेन दस कार्बन है तो डिक आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों और बहुत मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूं जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना आपके सारे एग्जाम्पल लेके मैं बता सक बता रहा हूँ प्लीज आप इसको प्रैक्टिस करना ना आपका बिल्कुल ही अच्छी तरीके से सॉलिड फाउंडेशन बन जाएगा नोमिक्लेचर लिखने के लिए ठीक है आपको हमेशा समझ आएगा कि करना क्या है हमें आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा ओके okay? नाउ अभी हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं साइक्लिक के ओके साइक्लिक सिंपल होता है ओके okay. इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी जब हम बेंजीन वाले एग्जाम्पल लेंगे ओके okay? तो वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा और नॉर्मल में विद फंक्शनल ग्रुप जो ऊपर वाले हमने पढ़े उसमें फंक्शनल ग्रुप जब ऐड हो जाएगा तो रूल में थोड़ा बहुत क्या चेंज होता है किस तरीके से नाम लिखते हो वो सारी चीजें भी बताऊंगा बट ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आई आई होप आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से चीजें समझ आई होगी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ अब जब मैं साइक्लिक की बात करता हूँ तो देख साइक्लिक में क्या होता है जो कंप्लीट साइकिल बनाता है ओके तो मान लो एक आपने परफेक्ट ट्राइंगल बनाया ये देखो ट्राइंगल नहीं बना ढंग से मैं एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करता हूँ okay, so, तो 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 आपको नाम के आगे क्या लिखना पड़ता है साइक्लो साइक्लो और ये प्रोपेन है तो प्रोपेन हो गया इसी तरीके से अगर आप स्क्वायर बनाते हो ओके okay, तो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन तो ये क्या हो गया साइक्लो ब्यूटेन मान लो कि यहां पे एक मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहां जाएगा तो आप क्या बोलोगे मिथाइल ओके मान लो कि मेरे पास एक ट्रायंगल है एंड यहां पे ये मान लो सीधा है ठीक है अभी के लिए और यहां पे दो मैंने ऐसे ब्रांचेस निकाल दिया तो ये भी मिथाइल है ये भी मिथाइल है तो ये क्या हो जाएगा वन वन क्योंकि क्योंकि ये वन यही क्योंकि यहीं यहीं से से होगा पे है. One -one, डाई साइक्लो, मिथेन प्रोपेन, प्रोपेन. ठीक है Now, कुछ यहां से लेते हैं यहां पे देखो यहाँ पे ये यह मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहां पे इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ओके तो ध्यान रखना नंबरिंग कहां से स्टार्ट होती है अल्फाबेटिक

मिथाइल है थ्री पे प्रोपाइल है एंड देन ये हेक्सेन है तो साइक्लोहेक्सेन लेकिन इसमें और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मैं इसके बाद वीडियो को खत्म करूंगा बच्चों कि देखो इसमें क्या है जो नीचे हमने बनाया यहाँ पे क्या है कि एक ही जगह पे दो ब्रांच है एंड यहाँ पे एक ब्रांच है तो अब प्रायोरिटी में ये नहीं देखा जाएगा कि ये मिथाइल है ये और यहाँ पे ये प्रोपाइल है क्या है अभी ये देखा जाएगा कि यहाँ पे दो ब्रांच है और यहाँ पे एक ब्रांच है

है ना? और ये इथाइल है तो ये क्या हो जाएगा नाम लिखते टाइम हमेशा आप ब्रांचिंग नंबरिंग देते टाइम आपने प्रेफरेंस दे दिया कि यहाँ पे ज्यादा ब्रांच है लेकिन नेमिंग करते टाइम हमेशा आपकी प्रेफरेंस क्या होती है अल्फाबेटिक ऑर्डर तो आप क्या बोलोगे थ्री इथाइल थर्ड पे इथाइल है वन वन, वन, वन पे दो बार मिथाइल मिथाइल डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन आई होप आपको बच्चों बहुत अच्छी तरीके से वीडियो समझ आई होगी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझ आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ये उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी जो दो टॉपिक बच्चे हैं जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का नोम एंड बेंजीन कंपाउंड का नोमन है उसके बारे में बताऊंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय